मैं अयोध्या जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। और इसी बीच मेरी आँख जो है सुबह 5 बजे के आसपास खुल गई। तो फिर क्या, अपने शॉट्स स्टार्ट हो गए हम लेने और चलते हैं अयोध्या के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यारों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करो। जय श्री राम। सब दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अयोध्या, और अयोध्या की पवित्र भूमि पर आज ये मेरा तीसरा दिन है। और मैं दिल्ली से जब आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मैं अयोध्या घूमूंगा, पर इस बीच में मुझे श्रवण क्षेत्र जैसी एक पवित्र जगह के बारे में पता लगा। सो मैंने उसको देखा, एक्सप्लोर किया, वहाँ की दुखी हालत भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर इसको चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस बीच हम कई छोटी बड़ी बाज़ारों से गुजरे, जैसे कटहरी, गोसाईगंज बाज़ार, माया बाज़ार और पूरा बाज़ार। 1.5 घंटे की थका देने वाले सफ़र के बाद मैं अयोध्या पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे इतना सुकून मिला जैसे मानो कि मैं प्रभु राम के चरणों में आ गया। आप भी आनंद लीजिए अयोध्या की इन प्यारी प्यारी गलियों का, जहाँ कभी प्रभु श्री राम यहाँ खेला करते होंगे कभी। अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो यहाँ आने का सही मौसम रहेगा फरवरी से अप्रैल तक के बीच में, क्योंकि यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। अयोध्या, अयोध्या को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 3000 से अधिक हिंदू मंदिर हैं। यदि आप प्रभु के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो रेल मार्ग आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता रहेगा। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आसपास के राज्यों से आपको बस की सुविधा भी मिल जाएगी, किंतु यदि आप बाई एयर आना चाहते हैं तो भाई साहब आपको थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ है। लखनऊ से आपको बाय रोड यहाँ पर आना पड़ेगा, जो कि आपको 2 से 2.5 घंटे का सफ़र और बढ़ा देगा। अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। अयोध्या को राजा मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था। अयोध्या का अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जहाँ पर युद्ध ना हो, या फिर इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है जिसका अर्थ होता है कि अयोध्या जिसको युद्ध से हराया ना जा सके। अयोध्या सरयू नदी पे तट पर बसा एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक नगर है। अयोध्या नगर यह इतनी प्राचीन और पवित्र नगरी है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। यह नगरी मोक्षदायी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका, यह सभी नगरियाँ मोक्षदायी की हैं। और ये पानी जाता है राम की पैड़ी पे। चलिए हम दिखाते हैं आपको राम की पैड़ी और वहाँ के नज़ारे। जो भी था नवीनीकरण कराया गया है, यानी कि जो रेनोवेशन कराया गया है, नया नया काम करवाया गया है, वो देखते हैं कैसा है और किस हिसाब से कितना सुंदर घाट बना है। चलो देखते हैं। और यहाँ के कुछ मार्कर मंदिर भी दिखा दूँगा आपको। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, सरयू स्नान करने से यदि आपने कोई अनचाहे पाप किए हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये इतनी मोक्षदायी नदी है, आइए और स्नान जरूर कीजिएगा। परंतु भैया, मेरी हिम्मत तो नहीं हुई। हम चले राम के पैड़े पर स्नान करने, क्योंकि वहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कम होता है। तो भाई साहब, हम तो चले
राम घाट यानी कि राम की पैड़ी पे स्नान करने, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ गहराई नहीं है और इसलिए नहा रहा हूँ मैं। मेरी हिम्मत थोड़ी इसीलिए बनी क्योंकि मुझे पानी सी गहराई से बहुत डर लगता है और राम की पैड़ी पर जो देख सकते इतना पानी है तो मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। यदि आप प्रो हैं, मैं तो बोट हूँ, यदि आप प्रो हैं, लेजेंडरी प्रो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रो हैं, तो भाई साहब बगल में सजीव जी हैं जिसका आधार सागर नहीं है, आप जाके अपनी प्रोनेस निकाल सकते हैं, पूरी पूरी भड़ास निकाल सकते हैं नहाने की। स्नान कीजिए, तैराकी कीजिए, जो आपकी बस्ती है ये हमारे बस की नहीं है तो हम तो इसी में काम चला लेंगे। स्नान कीजिए, अयोध्या का आनंद लीजिए, बोलिए जय श्री राम। यह जल इतना ज़्यादा ठंडा था कि मुझे माता वैष्णो देवी की याद आ गई। खैर, नहाने के बाद स्नान करने के बाद दिल और दिमाग दोनों। हाय गाइस, प्रभु की धाम पे आने के बाद मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा था कि मैं शायद यहाँ पर अकेला ही घूमूंगा और मुझे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, परंतु प्रभु की इच्छा के बिना कहते हैं ना पत्ता नहीं सकता, उसी प्रकार प्रभु के ये देव मेरे यार दोस्त मुझे यहाँ मिल चुके हैं और ये मुझे घुमाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर कराएंगे अयोध्या। तो बने रहे हमारे साथ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारे साथ। चलिए, जय श्री राम। जय श्री। भाई का चैनल सब्सक्राइब करने का और साथ में अयोध्या का दर्शन कीजिए। कौन है? हमको कहते हैं लता मंगेशकर चौक, जो कि उनके सम्मान में अयोध्या के इस चौक पे बनाया गया है। आइए कभी यहाँ पे, ये जो वीणा बनाई गई है ये लता मंगेशकर के ही याद में, उनके सम्मान में ये बनाया गया और यहाँ पर जो है ना हमेशा लता मंगेशकर जी के ही भजन चला करते हैं। आइए कभी परम आनंद लीजिए मधुर संगीत का। जय श्री राम। अयोध्या के सौंदर्यीकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिसके कारण सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और आसपास के जो घर हैं जो कि अवैध कब्जे में थी उनको हटा दिया गया है और सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये जाती है सीधा हनुमानगढ़ी की ओर, तो चलती है और देखते हैं हनुमान जी के करते हैं दर्शन। सही, ये तुलसी उद्यान पार्क है जो कि तुलसीदास जी के सम्मान में ये पार्क बनाया गया है। फिलहाल ये पार्क अभी, मैं थोड़ा लेट हूँ शायद इसकी वजह से बंद है, लेकिन मैं आपको बाहर से थोड़े दर्शन करा देना चाहता हूँ। और एक ये इनकी चौपाइयाँ हैं, चलते हैं फिर यार हनुमानगढ़ी की ओर। इस छोटी सी दुकान पर आकर के हमने अपना बाचा कुचा सारा सामान यहाँ जमा कर दिया और हनुमान जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद लेकर हम चल पड़े बजरंगबली के दर्शनों के लिए, अयोध्या की सबसे ऊंची जगह हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी के लिए हम निकल चुके हैं और हमने प्रसाद ले लिया है और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, भाई प्रसाद आप ले लो, चढ़ा के आ जाओ, उसके बाद पैसे आपको देने हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। कैसी लगी आपको बात? प्रसाद चढ़ा दो आप, पैसे बाद में आके देना, बहुत जैसे अच्छा क्या चाहिए। चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। चौहत्तर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर पर और भाई साहब
मंदिर क्या बताऊँ, बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर था। हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी में, तो हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे बजरंगबली को। और अभी फाटक बंद है लेकिन आगे से दर्शन के लिए खुला है, क्योंकि पहले चारों तरफ के दरवाजे हुआ करते थे, पर आज मंगलवार नहीं है इसलिए भीड़ कम है। हम बहुत अच्छे टाइम पे आए, चलिए पहले दर्शन करते फिर मिलते हैं आपसे। बजरंग बली के दर्शनों के बाद हम चल पड़े प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए। ये जो धनुष जैसा आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, स्मारक दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं राम की रसोई। पहले हम यहाँ जाते हैं। रसोई पे पहले नाम लिखवाना पड़ता है, हम रसोई घर है, यहाँ हम लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, साथ में देखेंगे आज क्या भोजन मिलता है। जो भी है, जो भी मिल जाए प्रभु की। इस तरह से यहाँ भोजन के लिए प्रक्रिया है, पर्ची लेके आइए, उसमें मोहर लगवाइए और लाइन से जाइए। ये बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं, यहाँ पर ही भव्य मंदिर का कार्य चल रहा है, रामलला के मंदिर का। तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार का मोबाइल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। अगर यदि आप लेकर आ रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पर प्रभु के दर्शन से पहले जमा करना पड़ेगा। मैंने आपके जो ट्रस्ट रूड है, मैंने वहाँ पर अपने सारे सामान जमा करा दिए, बेल्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसके बाद प्रभु के दर्शनों के लिए गए। प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद हम पहुँच गए दशरथ महल। दशरथ महल हम पहुँच करके हमने कहा चलो प्रभु के दर्शन करें, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो 4 बजे ही यहाँ के तीर्थस्थल जो भी हैं, दशरथ महल, कनक भवन, सभी को बंद कर देते हैं, जो कि काफ़ी निराशादायक बात रही मेरे लिए। दशरथ भवन के आधे अधूरे से ही दर्शन करने के बाद हम बढ़ चुके कनक भवन के लिए। कनक भवन जो है दशरथ महल से थोड़ी सी ही दूरी पर है, जो कि शायद पैदल 2 से 3 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने कहा चलो यहाँ तो दर्शन करेंगे। कनक भवन हम 4 बजे के बाद पहुँच चुके थे, तकरीबन 4:15 या 4:30 बजे के आसपास, लेकिन भाई साहब ये भी 4 बजे बंद हो जाया करता है। तो सरकार से थोड़ा सा अनुरोध है कि यदि इसे 6 बजे तक खोला जाए तो दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ फ़ायदा ज़रूर हो, उन्हें भी दर्शन का मौका ज़रूर मिले। जय श्री राम। प्रभु का नाम लेकर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे भी। आने वाली वीडियो में मैं आपको सूर्यकुंड और भरतकुंड दोनों ही जगह के दर्शन कराऊंगा। यदि आप अयोध्या आते हैं तो कृपया कर यहाँ भी जरूर जाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सीता जी की रसोई के दर्शन कीजिए, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए जय श्री राम।